शेर जब अपने शिकार पर होता है तो उसके आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसका ध्यान भटका सकती है, उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। लेकिन क्या वो चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होता है? नो। एक हाथी जब अपने रास्ते पर चलता है तो उसके आसपास के कुत्ते उस पर खूब भौंकते हैं। लेकिन क्या वह हाथी उन कुत्तों के मौके पर कोई प्रतिक्रिया करता है? नो। जब एक बाज अपने शिकार की तलाश में उड़ान भरता है तो क्या वो मौसमों की परवाह करता है? बिल्कुल नो। शेर अपने शिकार पर फोकस रहता है, हाथी अपने रास्ते पर चलता रहता है और बाज उस आसमान की ऊंचाइयों में अपने शिकार पर नजर जमाए रखता है। क्या आपने कभी इन्हें नोटिस किया है? ये सभी एक लेजेंड हैं। ये फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते बल्कि अपने गोल पर फोकस्ड रहते हैं। वैसे बड़ी सोच वाले लोग छोटी सोच वाले लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते, वे उन्हें इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जब आप लाइफ में एक बड़े लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते हो तो उस टाइम आपके पास एक बड़ा प्लान होता है, एक बड़ी सोच होती है, दुनिया को बदल देने वाला नज़रिया होता है, शरीर में एनर्जी होती है, मांसपेशियों में ताकत होती है, कुछ कर दिखाने का हौसला होता है, दिल में जुनून होता है और आपका विज़न एकदम क्लियर होता है। इसके बाद आपको अपने फोकस को बनाए रखने के लिए खुद को अनुशासन में रखना पड़ता है और जब आप अनुशासन में रहने लगते हो तो आपको उन सभी चीज़ों से दूर रहना पड़ता है जो आपका ध्यान भटका सकती है। उन सभी कामों को छोड़ना पड़ता है जिसमें आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। जब आपके दोस्त आपको किसी पार्टी में जाने के लिए बोलेंगे और आप मना कर देंगे तो आपके बारे में बातें होंगी, कोई बोलेगा कि चलो घूमने चलते हो और आप मना कर दोगे तो आपके बारे में बातें होंगी। आप किसी के फालतू में SMS का रिप्लाई नहीं दोगे तो आपके बारे में बातें होंगी। बट द मेन क्वेश्चन, अगर आपने इन लोगों की बातों पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो क्या होगा? इन लोगों की बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया करने से पहले यह जरूर सोचना कि अगर शेर अपने आसपास की फालतू की चीज़ों को इग्नोर करके अपने शिकार पर फोकस ना रहे तो क्या उसे कभी भोजन मिलेगा? अगर हाथी उन कुत्तों के भौंकने पर रुक जाए तो क्या कभी उस जगह पर पहुंच पाएगा जहां उसे पहुंचना चाहिए? नो, नेवर। क्योंकि इनको पता है कि इम्पोर्टेंट क्या है, उनके लिए ज़रूरी क्या है। अगर आप फालतू की चीज़ों को इग्नोर नहीं करोगे तो आप इन चीज़ों में फंस जाओगे, आपके दिमाग में नेगेटिविटी भरने लगेगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी ज़िंदगी छोटी हो जाएगी, आप कभी भी अपनी खास पहचान नहीं बना पाओगे और ना ही आप वो बन पाओगे जो आप बन सकते हैं। आप बस एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया मतलब ही है, तुम्हें कदम कदम पर टोकेगी, खुद से तो कुछ हुआ नहीं तुम्हें कुछ करने से रोकेगी। आपको अपनी लाइफ की, अपने लक्ष्य की, आपको अपने टाइम की और खुद की वैल्यू को समझना होगा दोस्त। आपको यह समझना होगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है और जब आप ये समझ जाओगे कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है तो आप किसी की भी बातों से या फिर किसी चीज़ से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते चले जाओगे। इसलिए आपको इग्नोर करना सीखना होगा। कोई भी गप्पे सप्पे मार रहा है तो उसे मारने दो, आप आगे बढ़ो। कोई मूवी देख रहा है या फिर मस्ती कर रहा है तो उसे करने दो, आप फोकस्ड रहो और आगे बढ़ो। अगर कोई आपके बारे में बातें कर रहा है तो करने दो, आप बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ो, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपके लिए आपका लक्ष्य बहुत ज़रूरी है, आपके लिए आपकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है, आपके लिए आपकी वैल्यू ज़रूरी है। लोग जब आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे तो वो आपसे जलेंगे, आपके बारे में फालतू की बातें करेंगे। लेकिन आप इन छोटी सोच वाले लोगों के प्रति कोई भी रिएक्शन मत करो, बल्कि अपने अंदर हाथी, शेर और बाज की क्वालिटी डेवलप करो। अपनी बड़ी सोच को बनाए रखो, अपने अंदर की आग को जलाए रखो, अपना हौसला बनाए रखो, अपने विजन को बिल्कुल क्लियर रखो। जो चीज़ें आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती हैं उन्हें इग्नोर करो और अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंको। लोगों की फालतू की बातों को इग्नोर करो और आगे बढ़ो। बिना मतलब की चीज़ों को इग्नोर करो और आगे बढ़ो। फालतू की बातों में मत फंसो दोस्त, बस इग्नोर करो और आगे बढ़ो। जिंदगी में हम सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इग्नोर करो और आगे बढ़ो। अगर सच में लाइफ को बेहतर बनाना है तो बिना मतलब की बातों को इग्नोर करो और आगे बढ़ो। चेंज योर थिंक एंड चेंज योर लाइफ।